हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही अच्छा एक बाजार बनाकर दिखाऊंगा। ये बाजार तो आप लोगों के पास रहता होगा, लेकिन इस बाजार का प्राइस जो है वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होता है। और क्या होता है कि इसको जब पास वाले दुकान पर ख़रीदने जाते हो तो वहाँ पर भी कभी कभी ये नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसा एक बाजार बना के दिखाऊंगा। तो पहले उसका डेमो देख लेते हैं, फिर उसको बनाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा होममेड जो बाजार है वो हाजिर है। तो मैं अभी इसको आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसका क्वालिटी कैसा है। चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं इसका कितना आवाज आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम जो रेडीमेड आता है इससे भी बहुत अच्छा ये काम कर रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ और इसको मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसा बजता है, ठीक है। बैटरी से मैं आपको एक बार इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इसका आवाज़ है, इतना है, सिर्फ इतना ही आवाज़ देता है ये। तो फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको कैसे बनाना है देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें एक BC547 ट्रांजिस्टर ले लेना है इसको बनाने के लिए। उसके बाद हमें एक BC557 ट्रांजिस्टर ले लेना है। उसके बाद हमें एक 1K का रजिस्टर ले लेना है जो आपको पुराना सर्किट में से मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमें एक 47K का रजिस्टर ले लेना पड़ेगा जो कि पुराना सर्किट में मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमें एक 104PF ले लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर रजिस्टर को ले लिया हूँ, 1K रजिस्टर को, और इस रजिस्टर को मैं BC547 ट्रांजिस्टर की बीच वाले पिन के साथ सोल्डर कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक 104PF ले लिया हूँ और 104PF को मैं रजिस्टर की दूसरे सिरे के साथ सोल्डर कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर BC557 ट्रांजिस्टर ले लिया हूँ और ट्रांजिस्टर का जो फर्स्ट पिन है, फर्स्ट पिन को मैं 104PF के साथ सोल्डर कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक कॉपर का जंपर वायर ले लिया हूँ और इस जंपर वायर को लेके मैं BC547 ट्रांजिस्टर की पहले वाले पिन के साथ, फर्स्ट पिन के साथ, और BC557 की बीच वाले पिन के साथ सोल्डर कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक 47K का रजिस्टर ले लिया हूँ और 47K के रजिस्टर को मैं BC557 ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन के साथ सोल्डर कर दे रहा हूँ। और जो रजिस्टर की दूसरा सिरा है, उस दूसरे सिरे को मैं BC547 ट्रांजिस्टर की बेस वाले पिन के साथ, मतलब बीच वाले पिन के साथ सोल्डर कर दिया हूँ। तो आप सर्किट को अच्छे से देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। फ्रेंड्स, मैं पर इसको कवर लगा दिया हूँ ताकि शॉर्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं पर एक 4 ओम 15 वाट का स्पीकर ले लिया हूँ। आप कोई भी छोटा बड़ा कोई भी स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं एक वायर सोल्डर कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, जो स्पीकर का नेगेटिव वायर है, नेगेटिव वायर को मैं यहाँ पर BC547 ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन के साथ सोल्डर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, स्पीकर का जो पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर को मैंने BC557 ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन के साथ सोल्डर कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक 3.7V का बैटरी ले लिया हूँ। यह मैं मोबाइल बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इसको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं 2 वायर सोल्डर करके रखा था। तो बैटरी का जो पॉजिटिव है, बैटरी को पॉजिटिव को मैं BC557 ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन के साथ सोल्डर कर दिया। और फ्रेंड्स, मैं पर एक पुश स्विच ले लिया हूँ जिससे ऑन ऑफ कर सकूँ इस सर्किट को। तो फ्रेंड्स, पुश स्विच का जो एक वायर है, एक तरह का वायर है, उस वायर को मैं यहाँ पर BC547 ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन के साथ सोल्डर कर रहा हूँ। और पुश स्विच की जो दूसरा सिरा है, दूसरे सिरे को मैं बैटरी की माइनस के साथ, मतलब नेगेटिव के साथ सोल्डर कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा सर्किट एकदम कंप्लीट हो ही चुका है। मैं इसको अच्छे से सोल्डर कर देता हूँ। तो ये सोल्डर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलिए सर्किट को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी फेक नहीं है, आप देख सकते हैं ये रियल सर्किट, वही सर्किट है ये, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये वायर जा रहा है बैटरी के साथ, यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट है और ये सर्किट है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्पीकर पर जा रहा है, स्पीकर पर भी कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जो भी बनाता हूँ वीडियो में एकदम रियल बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है इस सर्किट को बनाने में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सर्किट को एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत जोर से आवाज़ निकला और कान पे बहुत लग रहा है।
आप सुन सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया। या फ्रेंड्स छोटा बड़ा कोई भी स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा आप जितना छोटा यूज़ करोगे उतना आपको छोटा जगह लगेगा, तो आप अपने हिसाब से इसको बना लेना, ठीक है। तो ये आप सुन सकते हैं कितना आवाज़ आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।